नमस्कार, इंडिया पावर न्यूज जुर्म का पर्दाफाश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं त्यौहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। बताते चला कि महाराजगंज जनपद के थाना निचलौल में सीओ रणविजय सिंह के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। जी हां, धनतेरस, भैया दूज, छठ, दीपावली के मद्देनज़र माननीय न्यायालय के आदेशों को उक्त कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी द्वारा बताया गया। क्षेत्राधिकारी से पूछे जाने पर क्षेत्राधिकारी रणविजय सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया कि कस्बे में भीड़ से निपटने के लिए रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। कस्बे में चार पहिया वाहन नहीं जाने दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी सक्रियता दिखाया जा रहा है और मूर्ति विसर्जन का वीडियोग्राफी करवाया जाएगा, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो। पीस कमेटी की बैठक में करीब सैकड़ों लोग उपस्थित थे, तो वहीं कुछ पत्रकार भी उपस्थित थे। सीओ रणविजय सिंह ने कहा कि जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है उसे हमें फॉलो करना होगा और मेला लगवाने वाले, मूर्ति विसर्जन करवाने वाले जो भी हैं उनको हिदायत दी गई कि शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार को मनावें, जिससे कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर 13,000 पुल चमनगंजपुर पर 30 तारीख को मूर्ति विसर्जन होगा। मौलाना अनवर, मौलाना खैरुल्ला, पारस जायसवाल, अम्बरीश वर्मा, दिनेश वर्मा, श्री चंद वर्मा, अयूब खान, विश्वनाथ मदेसिया, अली रजा, इंडिया पावर न्यूज के प्रधान संपादक एवं निदेशक सुरेंद्र रावत आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं महाराजगंज जनपद के निचलौल से इंडिया पावर न्यूज की एक रिपोर्ट। सर, अभी पीस कमेटी की जो बैठक हुई है तो उसमें क्या डिसीजन लिया गया है त्यौहार को देखते हुए? आगामी समय में जो त्योहारों का पूरा सिलसिला है, 25 तारीख को धनतेरस है, 26 तारीख को नरक चतुर्दशी, 27 तारीख को दीपावली, 28 तारीख को गोवर्धन पूजा, 29 तारीख को भैया दूज और 2 तारीख को डाला छठ। इन त्योहारों के दृष्टिगत जो भी गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां स्थापित होंगी उनके बारे में जो भी उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देश हैं, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, इसके बारे में स्पष्ट सबको बता दिया गया है और त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई है। और क्योंकि बाजारों में भीड़ भाड़ होगी, इसलिए बाजारों में पुलिस बल की तैनाती, एक्स्ट्रा पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आज शाम से सभी लोग चक्रमण करेंगे और 10 बजे 11 बजे रात तक एक्टिव रहेंगे। किसी प्रकार की कोई अपनी घटना भीड़ भाड़ में बाजारों में न हो। जैसे कस्बे में अधिक भीड़ रहती है सर, तो उसके लिए क्या कदम उठाया गया? भाई, पुलिस बल की ड्यूटी बढ़ा दी गई है। पुलिस बल पूरा जो है मूव करेगी, एक एक पॉइंट को देखेगी और किसी के साथ कोई भी अनहोनी ना होने पाए। धन्यवाद।